हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला स्टडी एकेडमी। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रैशनल नंबर। कोशिश करेंगे आने वाले 5-7 मिनट में हम आपको पूरा ब्रीफ आइडिया दे देंगे रैशनल नंबर होता है क्या है, कैसे वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कैसे उनके लॉज हैं, किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। कोशिश करेंगे हम रैशनल नंबर का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम आपको आने वाले 5-7 मिनट में समझा दें। फिर इसका जो रैशनल नंबर और नंबर लाइन वाला जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो इसके बाद हम आपको अपलोड कर देंगे। तो पहले हम रैशनल नंबर समझ लेते हैं होता है क्या। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर दैट कैन बी पुट ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब जो भी नंबर आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो उसको आप रैशनल नंबर कहते हो। ठीक, अब पी बाई क्यू बेसिकली है क्या? तो पी एंड क्यू एक इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। दूसरी बात यह है कि पी एंड क्यू आर प्राइम टू ईच अदर। प्राइम टू ईच अदर का मतलब इनका कोई और कॉमन फैक्टर ना हो वन को छोड़ के। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हमने दिया हुआ है 33/7। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका कोई भी, इन दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन को छोड़ के। लास्ट जो बात हमने लिखी है वो क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है एक इसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में, उसमें नीचे वाली जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, इट्स 33/7। ठीक, तो 33 एंड 7 बोथ आर इंटीजर्स, पहली बात हमारी क्लियर है। 33 एंड 7 आर प्राइम, ये भी ठीक हो गया। 7 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो तीनों चीज़ें हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, अब एक डेसिमल वैल्यू है जैसे 0.25, क्या ये रैशनल नंबर है? हो जाएगा भाई, देखिए 0.25 था तो उसको हमने 25/100 लिख लिया, कोई दिक्कत, पॉइंट हटा के। जब इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो 01/04 होगा, अगेन दिस इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए पहली a प्लस बी और इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब चाहे आप 2+5 करिए चाहे 5+2 करिए, आंसर सेम आएगा। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब चाहे 2 × 5 करिए चाहे 5 × 2 करिए, आंसर आपका सेम आएगा। ये है हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। एसोशिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। मतलब चाहिए तो आप पहले ए प्लस बी को ऐड कर लें फिर उसमें सी ऐड करें, या पहले बी प्लस सी ऐड कर लें फिर उसमें ऐड ए को करें, आंसर दोनों के केस में सेम आएगा। जैसे इसमें देखें नीचे इसका एग्जांपल मैंने दिया, 2+3+5 है, इन दोनों के केस में आंसर हमारा सेम आता है। ठीक, अब यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के, उसमें देख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए इंटू बी पहले करें उसके बाद उसको सी से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे बी इंटू सी पहले करें उसके बाद उसको ए से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर सेम आएगा। एग्जांपल में ये देखिए हमने यहाँ पे दे रखा है 2 × 3 × 5 इज़ इक्वल टू 2 × 3 × 5। ठीक, दोनों ही केस में आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे पहले आप 2 × 3 को मल्टीप्लाई करके फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, चाहे पहले 3 × 5 को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी। इस केस में हमने ये देखा कि किसी भी वैल्यू को आप 0 से ऐड करो, चाहे 0 में उस वैल्यू को ऐड करो, हमारा आंसर वही वैल्यू आती है। मतलब चाहे 2+0 करिए आप चाहे 0+2 करिए, आंसर हमारा 2 ही आएगा। ठीक है, सेकेंड इसकी मल्टीप्लिकेशन में देखिए आइडेंटिटी का, ए मल्टीप्लाई बाय 1 करें चाहे 1 × a करें, आंसर हमारा a ही आएगा। मतलब चाहे 2 × 1 करिए आप चाहे 1 × 2 करिए, आंसर 2 ही आना है। होप इतना क्लियर हो रहा हो। इसके आता है प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स की प्रॉपर्टी मतलब ये होता है, इन्वर्स मतलब समझते हैं आप, इन्वर्स इज़ बेसिकली द अपोजिट ऑफ एनी नंबर। अपोजिट मतलब उसका साइन का अपोजिट। जैसे अगर 2 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, -2। अगर -2 है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाता है, +2। तो सिंपल यहाँ पर देखिए, ए में अगर आप -a को ऐड करते हैं या -a में अगर a को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी देख लीजिए, जब भी दो नंबर ऐड हों और दोनों का नंबर अपोजिट, दोनों का साइन अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो आंसर 0 आता है। ठीक, इस केस में ये देखिए 2+-2 एंड -2+2 दोनों के केस में हमारा आंसर 0 आया। ठीक है, अब अगला बढ़िए,
ए मल्टीप्लाइड बाय वन बाय ए करिए, चाहे वन अपॉन ए इंटू ए करिए, आंसर वन आएगा। ये भी इन्वर्स है, ए का इन्वर्स वन अपॉन ए होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, अगर नहीं पता है तो हमारे पुराने लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, उसमें हमने इन्वर्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक, ये देखिए इसका एग्जांपल, टू मल्टीप्लाइड बाय वन बाय टू करिए, चाहे वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू करिए, आंसर हमारा वन ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मतलब इस ए को पहले इस बी से मल्टीप्लाई किया, फिर इस ए को हमने इस सी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। उसका एग्जांपल देख लीजिए आप, टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री प्लस फाइव था, और तो इसको हमने कैसे लिख लिया, टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री, फिर टू मल्टीप्लाइड बाय फाइव। ठीक है, अब चाहे आप यहीं पे अगर सॉल्व करके देखते हैं इस वाले पोर्शन को, तो हमारा आंसर आ रहा है 16। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है हमारा बेटा इसको सॉल्व करने पे, 16। ठीक है, अब इसी को हम इस प्रॉपर्टी से जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 16। मतलब दोनों ही सेम चीज़ हो गई, ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी का एक सेकेंड तरीका देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, वो है बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए, चाहे आप ये करिए या बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए करिए, आंसर हमारा दोनों के केस में सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रैशनल नंबर हम ख़त्म कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने आपको लॉज बता दिए और इंट्रोडक्शन दे दिया है कि रैशनल नंबर होते हैं, कैसे वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये फ्रैक्शन की तरीके से हैं, बस इसमें हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के ही वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसी का सेकेंड लेक्चर हम अपलोड करेंगे, जिसमें कि रैशनल नंबर और नंबर लाइंस होगा। ठीक है, होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching, guys.